कर दिया मेरे को, मैं तो मिसोजिनिस्ट घोषित कर दिया। कहा एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट ग्रिन से भरा पड़ा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है एल्विश यादव ने जो रिप्लाई दिया है ध्रुव राठी को, जो उन्होंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आप सोचेंगे मेरे रिसर्चर को घंटों का समय लगा हुआ एल्विश की वीडियो क्लिप ढूंढने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने बताया सिर्फ 5 मिनट लगे ढूंढने में, क्योंकि उसने कहा एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट ग्रिन से भरा पड़ा है, जहां पर लड़कियों के खिलाफ ऐसे ही नफरत फैलाई जाती। तो ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर दी केरला स्टोरी मूवी जो आई थी उसको एड्रेस करते हुए एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सब फेक वहां पे नंबर्स दिखाए गए हैं या फिर वो सच है। एंड उसका जवाब देते हुए एल्विश यादव क्या कहे, आप उनसे खुद सुन लीजिए। जितने जने भी उसे फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग होता आप लोगों में तो आपको पता होता कि वो क्या कैसे आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। एंड इतना ही नहीं, इसके बाद ध्रुव राठी ने भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने रिप्लाई दिया जो भी केरला स्टोरी को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। उन्होंने काफी कुछ कहा है एल्विश यादव को लेकर, एंड जिसके बाद एल्विश यादव भी बहुत कुछ कहे हैं। मैं आपको छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा दे रही हूं, अगर आपको देखना है तो आप उनके चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये चीज बोलना चाहूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, वो एक्सपोज कर दिया मेरे को, मैं तो मिसोजिनिस घोषित कर दिया। ए लड़की तू किचन में जाना, यहां बैठ के हमारी बात सुन, ऐसे मिसोजिनिस घोषित करा मेरे को, कोई बात नहीं कर लिया मेरे को, बोला जाए मेरे कैरेक्टर बोला जिसको भी बोला, कोई दिक्कत नहीं उसकी। पता है वो कोई चीज करो तो दिल खोल के करो यार, ऐसे नहीं कि चुप चुप के अपने साइड का बोल दिया, मेरे साइड का कमेंट बंद कर दिया, मेरी पब्लिक तो कहीं ना कहीं तो दीवार में सिर मार रही होगी। एंड इतना ही नहीं गाइस, उसके बाद एल्विश यादव ने उन चीजों को भी एड्रेस किया जो उनकी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो क्या कहा उन्होंने आप देख, मैं तो कह रहा दिस इज व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हां भाई यार क्या करें, अपना ऐसे भाई पैसा कुछ कमाते रहे मौज काटते रहे, तो तुम लिखते रह जाओ एजुकेशन। और लड़की ने क्या कहा, वो तो अभी भी यही बैठी है। अच्छे फॉर टुडे का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे कल, बाय।